इस एनिमेशन में दिखाए गए दूरबीन में एक नेस्मिथ टेलीस्कोप है। इस तरह के टेलीस्कोप में प्रकाश एक कॉनकेव मिरर पर पड़ता है और फिर कॉन्वेक्स सेकेंडरी मिरर की ओर उतारा जाता है। फिर एक तृतीय चपटी दर्पण द्वारा प्रकाश दर्शक या कोई उपकरण की ओर निर्देशित होता है। जितना बड़ा प्राथमिक दर्पण होगा उतना ही अधिक प्रकाश एकत्र किया जाएगा। इस प्रकार दूर स्थित तारों का अध्ययन करने के लिए दूरबीन उपयुक्त हो जाता है। हालांकि खगोल विवेचन के लिए उपयोग किए जाने वाले संवेदक न केवल दृश्य विद्युत विकिरण या प्रकाश का उपयोग करते हुए निकट से देखने की क्षमता होती है। विशेष दूरबीनों के माध्यम से खगोल वैज्ञानिक अल्पविकिरण और रेडियो तथा माइक्रोवेव की तरंगे, एक्सरे और गामा किरणों का भी अध्ययन कर सकते हैं, जो प्रकाश से छोटी वेवलेंथ वाली होती हैं। इसलिए खगोल वैज्ञानिकों के लिए उपयुक्त दूरबीन उन्हें न केवल दृश्य विद्युत विकिरण बल्कि अन्य विकिरणों की भी अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करते हैं।